हाय एवरीवन, आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है। नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, वो अपडेट मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि काउंसलिंग का लेकर सारी अपडेट आपको यहां मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों, नीट यूजी की काउंसलिंग हर स्टेट का क्या कट ऑफ होने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 में कैसा रहेंगे, तो सारी इसमें वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं नीट यूजी का 2023 का काउंसलिंग को लेकर। तो काउंसलिंग को लेकर आपको एक बड़ी अपडेट यह है कि काउंसलिंग थर्ड वीक ऑफ जून, यानी कि आपको डेट मेंशन कर दिया गया है कि 27 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस बार जो काउंसलिंग होगा वो ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग अलग अलग होगा। जैसा आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% होता है, 85% स्टेट काउंसलिंग होती है, और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और उसके बाद सारे मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी, सारी जिस प्रकार से पिछले साल से होता आया है, इस बार भी वही होगा। जो बच्चे हमारे इस बार नीट यूजी में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि बच्चे आप नाराज ना हो, आप ड्रॉप कर गए हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपका मंजिल आगे है। देखो, सबसे बड़ी गलती यहां पर यह होता है कि हम लोग एनसीईआरटी बुक को नहीं पकड़ते हैं। एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो आधा अधूरा मन से पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी बुक को पूरी तरह से पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़े। इस बार जो क्वेश्चन आ गया है वो भी एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड था, सो इसलिए एनसीईआरटी बुक को पढ़ना ना भूले। अब ये सवाल है कि एनसीईआरटी नया एनसीईआरटी बुक पढ़े या पुराना एनसीईआरटी बुक पढ़े। देखो, सबसे पहले बता दें, एनटीए ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है कि नए एनसीईआरटी से हम पढ़ा जाएगा या पुराने एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन को एराइज करेंगे, पूछेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, जो नए एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, चैप्टर दिया हुआ है, उसे पढ़ लो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत है। अभी हमें अगर एक एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर पे अगर आप 10 दिन अच्छा सा टाइम दे दोगे, तो मैं कहता हूं उस टॉपिक में आपसे ज्यादा माहिर, आपसे ज्यादा काबिल उस टॉपिक में कोई नहीं हो सकता। लेकिन 10 दिन ईमानदारी से आपको उस चैप्टर का, पहले चैप्टर का, कोई भी चैप्टर का आपको 10 दिन कंटिन्यू ईमानदारी से देना होगा। सो गाइज, काउंसलिंग के लिए तैयार रहिए, और जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उसके लिए टेंशन नहीं है। और इस चैनल पे सारी अपडेट के साथ साथ आपको एजुकेशन से संबंधित सारी अपडेट मिले, सो चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।